आखिरी विधानसभा सत्र है। सदन में सरकार को घिरने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार करके रखा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। विधानसभा सत्र में हर रोज अलग अलग मुद्दे उठाए जाएंगे। कानून व्यवस्था से लेकर पेपर लीक जैसे कई मुद्दे होंगे जिनकी गूंज सुनाई दे सकती है। कर्ज माफी, बिजली दरों को लेकर सरकार को विपक्ष घेरेगा। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। चुनावी साल का ये आखिरी सत्र है और ऐसे में हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। तो चुनावी साल और आखिरी सत्र, ऐसे में तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से कर ली गई हैं। कल इसे लेकर बीजेपी ने खास बैठक की और वो तमाम रणनीति तैयार की गई जिसे लेकर आज सरकार को घेर कर्म की संज्ञा दी है। कर्म की बजाय कुकर्म की संज्ञा राजेंद्र राठौड़ ने दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने पहले भी कहा है, घेरने के लिए उनके पास में कोई सामान नहीं है। कल भी देखा कितनी संख्या उनके पास में हुई है, उनके सदस्य नहीं आते। उनको सदस्यों को चिंता सता रही है कि वो वापस जीत के आएंगे नहीं आएंगे, वो अपने तैयारी कर रहे हैं। कल भी हमने देख लिया उनको, कोई भारतीय जनता पार्टी के पास में घेरने का, करने का, किसी प्रकार का खाली बातें करने का, पेपर में, समाचार पत्रों में छपने का, आगे और हल्ला कर दो, वो कर दो, उसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, सरकार की पूरी तैयारी है, मंत्री पूरे तैयार हैं, सारे विधायक तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं। जिस प्रकार सदन सत्र चला है अब तक, उससे भी बढ़िया सत्र चलेगा। बिल आ रहे हैं और भी चर्चा कर रहे हैं, और सरकार को जो भी जनता को ज्यादा से ज्यादा जिन चीजों से फायदा मिल सकता है वो बिल सरकार लेके आएगी। 17 और 18 को जो बिल आएंगे वो अभी बीएससी की मीटिंग हुई है कल, मैं उसको सदन में रखने से पहले यहाँ पर उसका चर्चा नहीं कर सकता। और 18 को फिर बीएससी करेंगे, जो शेष रहे जो गवर्नमेंट के बिल आ रहे हैं उनके ऊपर फिर 19, 20, 21 जब भी है उसमें चर्चा करके और आगे सदन को चलाएंगे नियमित रूप से। पूरी तैयारी है, सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, मंत्री पूरी तरह तैयार है, सारे सदस्य तैयार है, सरकार पूरी तरह तैयार है। चिंता विपक्ष की है, वो सोचे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके पास में कुछ नहीं है, खाली उनको चुनाव में जाना है इसलिए हावलड़ करना है। लेकिन जनता समझ चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने जो रात कैंप के अंदर जो जबरदस्त जो दौरा किया राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने, उससे कांग्रेस का ग्राफ खड़ा हो गया है और सरकार 100% कांग्रेस की आएगी। व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी सरकार पे, पुलिस कस्टडी में जो है वो गोलीबारी हो रही है, मार दिया जाता है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विधानसभा में उद्बोधन होगा। राष्ट्रपति सुबह के 10:50 पर विधानसभा पहुंचेंगी। विधानसभा में 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति का उद्बोधन होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में उनकी भी मौजूदगी दर्ज की जाएगी। आज शाम को सीपीए कॉन्फ्रेंस में भी राष्ट्रपति का उद्बोधन होगा। आज आरआईसी में सीपीए का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा जहां पर राष्ट्रपति उद्बोधन करेंगी। राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का भी आयोजन होगा। विस अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से इस भोज का आयोजन किया जाना है। तो महामहिम का राजस्थान दौरा और इससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सुबह 10:50 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा पहुंचेंगी और यहां पर उनका उद्बोधन होगा। इतिहास में पहली बार राजस्थान में ऐसा होने वाला है जब विधानसभा सत्र में राष्ट्रपति का उद्बोधन देखने को मिलेगा। इसके बाद लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या खास कार्यक्रम राष्ट्रपति के रहने वाले हैं। तो आज से मौजूदा सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र रहने वाला है। इसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और ये आखिरी सत्र है। तैयारियां कर ली गई हैं बीजेपी की ओर से भी। कल खास बैठक की गई बीजेपी की ओर से और वो तमाम मुद्दे जिन्हें लेकर घेरने की कोशिश की जाएगी राज्य सरकार को। हालांकि सरकार की ओर से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसे लेकर वो सरकार को घेर सके। और वहीं दूसरी ओर लगातार महंगाई राहत कैंप को लेकर राज्य सरकार अपनी तारीफ भी कर रही है और कई बिल बताया जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र में पेश किए जा सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू आज उद्बोधन करेंगी और देखना, ये सत्र संक्षिप्त और आखिरी सत्र है। सरकार के कर्म और कुकर्म हमारे सामने है, जहां एक ओर सरकार इस सत्र के माध्यम से अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, हम वो पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। थोथी घोषणाओं का अंबार लग गया,
और ये लगने लगा कि सरकार इन घोषणाओं के माध्यम से राजस्थान का कल्याण करना चाहती है, जबकि ये सिद्ध हो गया कोई भी बड़ी योजना रही, जल जीवन मिशन रहा, अन्नपूर्णा योजना रही, सब में चांदी कूटने का काम सरकार ने किया। उन बातों को उठाएंगे और कानून व्यवस्था के बारे में तो मैं क्या कहूं, हर सप्ताह कोई न कोई लोम हर्षक कांड राजस्थान में आकार ले रहा है। अभी आपने देखा होगा करौली जिले के अंदर एक मासूम बच्ची, पढ़ने वाली बच्ची की गोली मारकर हत्या, सामूहिक बलात्कार। खाजूवाला की शही अभी सूखी भी नहीं थी। डूंगरगढ़ में मासूम का अपहरण होता है और आपने कृपा कुलदीप जगीना को जिस प्रकार पुलिस कस्टडी में मारा गया, ये पहली घटना नहीं, इससे पहले नागौर में हुई। इन सारी बातों को लेकर ये बर्बाद होता किसान। बाबूलाल दाल सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे। बाबूलाल, चुनावी साल है, विधानसभा का आखिरी सत्र है, निश्चित तौर पर बीजेपी की ओर से तैयारियां की गई है, कई मुद्दे गिनाए जा रहे हैं जिन्हें लेकर घेरने की कोशिश की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और कई सारे बताए जा रहे हैं कि इसमें बिल भी पेश किए जाएंगे। जिस तरीके से अभी से बयानबाजी का दौर शुरू है, बाबूलाल ये कहना गलत नहीं है कि ये जो सत्र है वो हंगामेदार रह सकता है? जी देखिए, हंगामा तो खासा बरपेगा, मगर आज राजस्थान की विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर आ रही हैं, उनका संबोधन होगा और राजस्थान के विधायकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा साधारण थोड़ा बहुत काम होगा और बीएससी का जो प्रतिवेदन है, कितने दिन विधानसभा चलेगी, ये चीजें रखी जाएंगी। लेकिन राष्ट्रपति को सुनने के लिए विधायकों में, मंत्रियों में, पक्ष में, प्रतिपक्ष में बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। विधायकों और मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र चौधरी जुड़ रहे हैं जो कि उप मुख्य सचेतक हैं। महेंद्र जी, बड़ा हंगामा बरपेगा इस बार, आखिरी सत्र है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने कर्म नहीं कुकर्म किए हैं, किस तरह से जवाब देंगे आप विपक्ष को? ये ऐसे सब तो वही जानते हैं क्या किए हैं क्या नहीं किए। सरकार ने तो वो उपलब्धियां हासिल करी है, राजस्थान की सरकार ने, जनता के बीच में जाके देखें। अभी हम गए हैं जनता के बीच में, जनता बहुत धन्यवाद दे रही है अशोक गहलोत जी को, जो काम किए उसको धन्यवाद दे रही है। बीजेपी के तो लोग जा ही नहीं पाए कैंपों के अंदर, काम करवाते हैं वहां पर, वो खाली एक हल्ला करना, नाटक करना, वो करना, उसके अलावा उनके पास ना कुछ नहीं है। बीजेपी के पास कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का आरोप। मैं उस आरोप को निराधार मानता हूं, उनका खंडन करता हूं। खंडन करते हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? हर दिन एक नए मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश है विपक्ष की। आप किस तरह से जवाब देंगे? पूरी तरह तैयारी है, कोई किसी प्रकार का विपक्ष है ही नहीं। काहे का विपक्ष है ना, पक्ष के अंदर 500 रुपए जुर्माना करके तो विधायकों को बुला रहे हैं। कितने विधायक आए थे और पता लग जाएगा, और इनमें टुकड़े हुए हैं बैठे हैं। आप कितने यूनाइट हैं? ये पूरे यूनाइट है, कांग्रेस एकजुट है, अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो काम कर रही है सरकार, 125 विधायक कांग्रेस निर्दलीय और समर्थित 125 एकजुट थे, है और आगे भी रहेंगे। तो महेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी एकजुट है और सत्ता पक्ष मुकाबला करेगा विपक्ष का, और कोई मौका नहीं देंगे कि प्रतिपक्ष सरकार के ऊपर हावी हो सके। तो ज्यादा लंबा ये सेशन नहीं चलेगा, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यही है कि जो इश्यूज हैं उनको लेकर के चर्चा होगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बिजली की दरें, इनको लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति है। और लग ही रहा है कि जिस तरह से प्रतिपक्ष ने तैयारियां की है तो सरकार को भी बहुत तरीके से तैयारी करनी होगी कि किस तरह से वो जवाब देती है। लेकिन ये जो सत्र है इसके बाद में एक भावुक मौका भी होगा तमाम विधायकों के लिए, क्योंकि जब चुनाव होंगे साल के आखिर में तो मुश्किल से 35% विधायक भी दोबारा चुन करके नहीं आते हैं। एक परंपरा है, दोबारा चुनाव जीत करके आना कोई साधारण काम नहीं है। अभी एक विधायक से हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि मैं तो चुनाव फिर से जीत करके आ रहा हूँ, यानी कि बहुत मुश्किल है लगातार चुनाव जीत करके आना, कोई आसान नहीं। हर कोई यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ नहीं है जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं पिछली 7 बार से। तो ये जो आज का सत्र शुरू हो रहा है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान की विधानसभा की। जब उद्घाटन हुआ था तब राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे और आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है। जब आखिरी सत्र 15वीं विधानसभा का हो रहा है, अष्टम सत्र, तो उसमें उनको सुनने के लिए खासी बाबूलाल आज।